मोदी जी ने अपने बजट के माध्यम से आम गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक और व्यापारी सबको उन्होंने राहत दिया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में यह देश दुनिया की पांचवी ताकत के रूप में उभर रहा है। दुनिया के भीतर एक किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश की सुरक्षा मजबूत हुई है और दोबारा इस देश की जनता फिर से उनको अवसर देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कम है या बढ़ना चाहिए? तो कम है। अरे अभी तो कुछ नहीं था, 6000 दे तो रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए कम होते हैं किस साल पर? 75,000 करोड़ रुपए तो कभी बजट में ही नहीं रखा कांग्रेस पार्टी ने। मैंने अभी बताया है कि पिछले सालों में 58,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के इस साल 1,21,000 करोड़ रुपया है। पूरे यूपीए की सरकार का 1,11,000 करोड़ का बजट था, मोदी जी का इस साल छोड़ करके पिछले 4 साल का ही बजट 2,21,000 करोड़ रुपए के करीब था। उनसे 75% ज़्यादा जो है बजट का प्रावधान किया था और इसलिए देश के किसानों के भीतर मोदी जी के प्रति एक भरोसा बढ़ा है। इसलिए किसानों की 1.5 गुना लागत पर खरीदारी बढ़ी है। गेहूं धान के साथ साथ दलहन तिलहन की भी खरीदारी मोदी जी की सरकार ने शुरू कराए हैं और किसानों को एक संरक्षण दिया है। साथ साथ में आम आदमी मजदूर के लिए किसी सरकार ने सोचा है तो पहली बार सोचा कि मजदूरों को भी 3,000 रुपया कैसे जो है उनके 60 साल पूरा होने के बाद मिल सके और व्यवस्था। बजट का आंकड़ा बढ़ गया लेकिन बेरोजगारी भी तो बढ़ गई है। नहीं, 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतने रोजगार हुए हैं स्टार्टअप में, मेक इन इंडिया के माध्यम से। 1% बेरोजगारी है इसमें जी नहीं, जिस जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जनसंख्या भी उस रफ्तार का कारण है। लेकिन नौकरियों के भीतर जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार, हमारी सरकार ने उस वादे को पूरा किया है और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने लाखों नौकरियों को खोल दिया है, वांट खोल दिया है। हमारे पास उस प्रकार के नकल की जो प्रणाली थी, जब वैकेंसी निकलती है तो एमएड और बीएड के बच्चे डालते हैं, वो हमने थोड़े ही डाला है। ये तो उनकी देन है, बेरोजगारी का आलम है, ये आलम उन्होंने पैदा किया है। ये तब खत्म होगा। 2-4 साल के भीतर जो समाजवादी, 5 साल की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके भ्रष्टाचार की वजह से एक नौकरी भी फाइनल नहीं हो पाई। जितना उन्होंने वांट निकाला, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हो, सारे के सारे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने उनको क्वेश्चन किया और कहा कि इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार और अधांधली की है। हमारी जो भर्तियाँ हो रही हैं उनमें हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बिना पैसे के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। हमने 68,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली, 68,000 में हम लोगों ने 68,000 के भीतर लगभग 62,000 लोगों को हमने उसमें से चयन किया और उनको नौकरियां हमने भेज दी हैं। फिर 68,000 के वांट निकाले हैं। पुलिस की भर्ती हमारी चल रही है, अन्य विभागों की हमारी भर्ती चल रही है, सबॉर्डिनेट कमीशन के भीतर भर्ती चल रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन के भीतर हमारी भर्तियाँ चल रही हैं और हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं। धन्यवाद।